स्वामी जी, आप जब भी कुछ बोलते हैं तो उसको, क्योंकि आप स्पष्टवादी हैं, आप स्पष्टता के साथ आपको जो लगता है विभाग निर्वीक आप बोलते हैं, लेकिन उसको विवाद का नाम दे दिया जाता है। अभी आपने कहा क्या कि चमत्कार जो है वो चमत्कार अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री जी दिखाते हैं तो वो जाके जोशी मठ में दिखाएं। हालांकि उनका कहना तो वो बड़े बीच के रास्ते से चले, आपके बारे में नहीं बोला, लेकिन वो कहते हैं क्या कि मैं संतों के साथ हूँ, मैं संत समाज के साथ हूँ, मैं कुछ करता हूँ चमत्कार, लोगों की पीड़ा दूर करता हूँ, लेकिन फिर दूसरों को क्यों इसमें समस्या होती है? अब भाई ये है कि व्यक्ति के बारे में हम कोई टिप्पणी करते नहीं हैं। हमने धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आज तक कुछ नहीं कहा है। हमसे चमत्कार के बारे में बिलासपुर में आप पत्रकारों के माध्यम से पूछा गया था, दिव्य दरबार के बारे में पूछा। हम दिव्य दरबार तब तक नहीं जानते थे कि ये धीरेन्द्र शास्त्री का जो बैठक होती है उसको दिव्य दरबार कहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कौन है हम नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि दिव्य दरबार क्या है, हमने कहा कि जो अलौकिक हो, स्वर्ग में जो दरबार लगता हो वैसा स्वर्गीय दरबार ही दिव्य दरबार। फिर उन्होंने कहा कि चमत्कार के बारे में आप क्या कहना है, कुछ लोग चमत्कार कर रहे हैं। तो हमने कहा भैया चमत्कार कर रहे हैं तो लोक कल्याण में उसको हम तो स्वागत करेंगे, हमारे यहाँ दरारें पड़ रही हैं, लोग परेशान हैं, आके भर दें। तो इसमें हमने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा, जो लोग चमत्कार का दावा कर रहे हैं। अच्छा, अंधविश्वास मानते हैं? केवल भीड़ जुटा लेना चमत्कार नहीं हो सकता है। चमत्कार जो है वो ये है कि आप लोक कल्याण के लिए कुछ करिए, ठोस करिए, जिसका कोई भित्ति हो, आधार हो, वैज्ञानिक आधार हो, तार्किक आधार हो, कुछ तो हो कि भाई इस कारण से ऐसे ऐसे करके हुआ। आप कुछ भी लोगों को भीड़ इकट्ठा कर लो, भीड़ तो बहुत दूर से बहुत तरीकों से इकट्ठी की जा सकती है।